जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। झांसी से खबर है, किसान ने दबंगों द्वारा फसल नष्ट किए जाने का लगाया आरोप। जिला झांसी के तहसील करोठा अंतर्गत ग्राम रामपुरा निवासी राम नरेश ने गांव के कुछ लोगों पर उसकी 17 बीघे की फसल नष्ट किए जाने का आरोप लगाया है। राम नरेश तिवारी निवासी ग्राम रामपुरा कोतवाली करोठा ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक करोठा रणबीर सिंह व पुलिस क्षेत्राधिकारी करोठा आभा सिंह को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसने अपनी 17 बीघे की जमीन में तिलहन की फसल बोई थी, जो पककर काटने लायक हो चुकी थी। दिनांक 4 अक्टूबर 2022 को गांव के ही 4 दबंग व्यक्तियों ने ट्रैक्टर ले जाकर खेत में खड़ी उसकी फसल को जोत कर नष्ट कर दिया। पीड़ित किसान ने आरोप लगाते हुए बताया है कि मौके पर मौजूद उसके पुत्र ने जब उन लोगों को खेत जोतने से मना किया तो सभी ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित किसान ने उच्च अधिकारियों से मामले की जांच करते हुए दोषियों को सजा दिलाए जाने और नष्ट हुई फसल का मुआवजा दिलाए जाने की गुहार लगाई है। अनिल कुमार शर्मा, जगत न्यूज 24, झांसी। कितनी जमीन, कौन से गाँव से आए हो आप? क्या किस संबंध में आप प्रार्थना पत्र दे रहे हैं? जो था बंटवारा हो गया था, इसलिए मैंने तिली बोई पे उसमें गए धन प्रसाद और सलाम और चौटी रामता, इन लोगों ने हमारी तिली पकड़ा दी। किसको प्रार्थना पत्र दे रहे हैं आप? कोतवाल साहब, 18 बीघा जमीन। ठीक।